अस्सलाम वालेकुम मेरी बहुत ही प्यारी सी यूट्यूब की फैमिली जी, देखने में आपको कितने मज़ेदार थाई फूड लग रहा है। इसकी रेसिपी जानने के लिए आपको वीडियो देखनी पड़ेगी। हमने आपके लिए बहुत मज़ेदार किस्म का थाई फूड बनाया है, थाई फ्राई बीफ। उसके साथ हमने सॉस बनाई है थोड़ी सी, बहुत टेस्टी बनाए। चले हम अपने किचन में चलते हैं और आपके लिए मज़ेदार किस्म की रेसिपी तैयार करते हैं, ताकि आप भी तो बनाइए। फिर आज जो रेसिपी शेयर की जा रही है वो है थाई फ्राई बीफ। बहुत मज़ेदार बनता है और ये बना रही हूँ मैं अपने स्टाइल में। मैंने मीट ले लिया 1 kg, ये देखिए, और इसके साथ चर्बी भी लेनी है। इस तरह करके चर्बी वाला मीट लें और थोड़ा गोश्त भी उसके अंदर। इसके अंदर डाल देना है हमने सिंपली अदरक लहसुन का पेस्ट 2 tablespoons, और डालना है इसमें खाली सॉल्ट। ये डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर देना है। और इसको आपने बिल्कुल हल्की आंच पर, लो हीट पर इसको आपने गलने के लिए छोड़ देना है। और अभी आपने इसके अंदर कोई भी इंग्रेडिएंट नहीं डालना, ना ही पानी ऐड करना। ये देखिए गोश्त हमारा अच्छे से गल गया। वो लोग ज़रा थाई के लोग थोड़ा कच्चा गोश्त खाना पसंद करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ तो फुल कुक गोश्त खाते हैं। तो ये गोश्त हमारा गल गया, इसमें मैंने अभी तक कुछ भी नहीं डाला। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी ऑयल डालूँगी। ये देखिए बस 5 to 6 tablespoons मैंने इसके अंदर ऑयल डालेंगे। और मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। बड़े मज़ेदार ये चीज बनता है। ये देखिए इसमें ऑयल डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे चिली फ्लेक्स 1/2 teaspoon डाल दें। अगर आप तेज़ स्पाइसेस खाते हैं तो थोड़ी और तेज़ डाल दें। और ब्लैक पेपर 1 teaspoon ये डालकर हम इसको अच्छे से फ्राई करेंगे, कम से कम 5 से 6 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर। ये देखिए मीट हमारा फ्राई हो रहा है, माशाल्लाह से इतना खूबसूरत कलर आ रहा है और खुशबू भी बहुत अच्छी इसकी आ रही है। इतनी देर में हम इसकी सॉस रेडी कर लेंगे। ये देखिए मैंने अब एक पैन ले लिया, उसमें 1 teaspoon मैंने मेल्टेड बटर डाला है। ये डालने के बाद अब इसमें मैं डालूंगी 1 tablespoon दही। ये देखिए दही डालने के बाद इसमें डालेंगे, जितनी आप दही डालोगे उतनी ही हमने क्रीम डालनी है। 1/2 teaspoon इसमें मैं ओरिगानो डालूंगी। ये देखिए ठीक है। और ब्लैक पेपर ये देखिए, और सॉल्ट डालेंगे इसमें 1 pinch। ये अब इसको मैं 1 से 2 मिनट तक बस पकाऊंगी। फ्लेम हमने बिल्कुल लो रखी। सॉल्ट मैं इसमें ऐड कर देती हूँ 1 pinch। ये देखिए सॉस हमारी रेडी हो गई है। ऐसा इसका टेक्सचर होना चाहिए, देखें इस तरह, ठीक है। और अब हम मैं अपने मीट को भी देख लेती हूँ। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है माशाल्लाह से। ये देखिए मीट हमारा फुल डन हो चुका है। ये देखें कलर कितना खूबसूरत आ गया है, लाइट गोल्डन गोल्डन सा। अब हम इसे डिश ऑफ करते हैं मीट। ये देखिए जनाब मज़ेदार किस्म के थाई फ्राई मीट विद सॉस रेडी हो चुके हैं। बहुत मज़ेदार बना है और देखिए मैंने कितने कम इंग्रेडिएंट के साथ तैयार किया। असल में थाई के लोग थोड़ी अलग तरीके से खाते हैं, मैंने अपने स्टाइल से बनाया है। नींबू भी साथ सर्व कर दिए, आप चाहें तो इसके ऊपर डाल सकते हैं। अगर आपको लगता है मज़ेदार किस्म का थाई फूड आपको सिखाया गया है तो आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, और बेल आइकन को तो आपने ज़रूर प्रेस करना, ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चले अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।